सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका मनभावन ट्रैवल डायरीज की डे 3 के इस पड़ाव में। आप सबको हमारी तरफ से क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी वेरी मैरी क्रिसमस। और आज हम लोगों का प्लान है कि आज यहाँ पे जितनी भी चर्च हैं, यहाँ पे दो बहुत फेमस चर्च हैं, हम उन चर्च में जाएंगे। क्रिसमस मनाने का इससे अच्छा तरीका शायद कोई और नहीं हो सकता। और एक यहाँ पर लेक है, तो आज का हमारा दिन अभी ऑलमोस्ट बजे है 11:30। और सुबह भरपूर मस्ती और लेजर टाइम स्पेंड करने के बाद अभी हम आपको लेके चलते हैं लेक, और उसके बाद हम आपको लेके चलेंगे लेंसडाउन की फेमस चर्चेज में। तब तक आप इंजॉय करिए अपना क्रिसमस और मैं आपको घुमाती रहूँ। हाय गाइस, तो हम लोग पहुंच गए हैं सेंट मेरी चर्च में लेंसडाउन के, जिसका बनना शुरू हुआ था 1895 में, और 1896 में ये चर्च जो है वो बनकर कंप्लीट हुई थी। मैं आपको यहाँ पे लेके आई हूँ आज क्रिसमस के मौके पर, और आपको घुमाती हूँ लेंसडाउन की फेमस सेंट मेरी चर्च। आइए देखते हैं। हम लोगों का आज प्लान था कि हम लेंसडाउन का लेक देखेंगे और दोनों चर्च देखेंगे, लेकिन बाय चांस पता ये चला कि लेंसडाउन में बुधवार को जो लेक है वो बंद होता है, और म्यूज़ियम जो है यहाँ का गोरखा रेजिमेंट म्यूज़ियम वो भी बंद होता है, तो हम वो देख नहीं सकते थे। और हमारे पास बहुत सारा खाली टाइम बच गया, तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ की लोकल मार्केट को एक्सप्लोर किया जाए। आ गए हैं यहाँ की लोकल मार्केट में, और हमने यहाँ पे खाए हैं नारियल के लड्डू, लोकल जो हम बचपन में खाया करते थे। कुल मिला के आज के इस खाली दिन को हम इंजॉय कर रहे हैं, अपने बचपन को जीकर, इन लोकल मार्केट्स में घूमकर। और वेदर काफ़ी अच्छा है, धूप भी काफ़ी अच्छी निकली हुई है, और अब हम जाएंगे खाना खाने के लिए। अगर आपको वेज खाना खाना है तो यहाँ पर मयूर नाम का रेस्टोरेंट है, जहाँ पे अभी मैं जाऊँगी और मैं आपको ज़रूर वहाँ की फ़ोटोग्राफ दिखाऊँगी। और अगर आपको लोकल घूमना है तो आप इन मार्केट में आ सकते हैं और घूम सकते हैं। और यहाँ पर आगे जाकर एक शॉप है जहाँ पर बहुत अच्छे छोले और समोसे मिलते हैं, अभी आपको दिखाऊंगी वो भी। यहाँ की ये जो मार्केट है इसे कहते हैं सदर बाज़ार। काफ़ी साफ़ सुथरी मार्केट है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है। और एक बात और, यहाँ पर फ्रूट्स नहीं मिलते हैं, हमें बहुत मुश्किल से फ्रूट्स मिले थे, तो हमने यहाँ से फ्रूट्स ले लिए खाने। तो अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ये अंदर की साइड की मार्केट थी। ऊपर जाके मैं आपको दिखाऊंगी आसपास का जो सराउंडिंग्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं। जा रहे हैं मन भावन ट्रैवल डायरीज के मन यानी कि मनीष, और ये हम पहुंच गए हैं उस मेन मार्केट में। अगर आपको वॉशरूम ढूंढना है तो यहाँ पर एक कॉमन वॉशरूम है, अदरवाइज आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह में ज़्यादा वॉशरूम्स मिलेंगे नहीं। तो सामने है वॉशरूम जो कि एकदम सेंटर में है, फ्रूट्स अच्छे नहीं है। और ये है यहाँ की मेन मार्केट। और ये सामने आपको दिख रहा है मयूर। तो यहाँ हमने खाया है खाना, कढ़ी चावल बहुत अच्छे थे, मंचूरियन बहुत अच्छा था, उसके अलावा डोसा भी बहुत अच्छा था। तो जब आप लेंसडाउन आते हैं तो खाना खाने आप यहाँ आ सकते हैं। कंपैरेटिवली यहाँ का खाना जो है वो ऑलमोस्ट 40% सस्ता था इन कंपैरिजन टू रिजॉर्ट का खाना। तो जब आप लेंसडाउन आए आप मयूर होटल एंड रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं। हाय गाइस, खाना कैसा था? और ये है हमारे बुलबुले छुड़ाते हुए हीरो। तो अब हम जा रहे हैं वापस अपने रिजॉर्ट में। खाने की एक अच्छी जगह मैंने आपको बताई है, यहाँ आते हैं तो आप खा सकते हैं, और बाकी जो भी अच्छा अच्छा मुझे यहाँ मिलेगा मैं बताती जाऊँगी, ताकि लेंसडाउन की आपकी यात्रा हो हसीन, मंगलमय और यादगार। सी यू।
गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका एक बार फिर से मनभावन ट्रैवल डायरीज में, और मैं हूँ आज अपने लेंसडाउन ट्रिप के डे 4 में। आज है हमारा इस ट्रिप का लास्ट डे, और काफ़ी लेजर टाइम हमने यहाँ पे स्पेंड किया है। काफ़ी अच्छी जगह है, और आज हम लोग आए हैं, हम लोग अभी दिल्ली वापस निकलने वाले हैं, और हम लोग आए हैं अपनी लास्ट डेस्टिनेशन, जो कि है भुल्ला लेक, जो कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। ये एक मैनमेड लेक है, काफ़ी छोटा सा लेक है, लेकिन इसकी सीनिक ब्यूटी काफ़ी अच्छी है। और हम लोग सोच रहे थे, एक्चुअली ये लेक जो है वो वेंसडे को बंद होता है, इसकी एंट्री यहाँ पे वेंसडे को बंद होती है, तो हम लोग ये सोच रहे थे कि हम इसे छोड़ दें या क्या करें, लेकिन फिर हमें लगा कि अगर हम इसे छोड़ देंगे तो मन में ये बात रह जाएगी कि अरे लैंसडाउन में 4 दिन रहे और घूमने के नाम पर हम कहाँ गए। खैर, काफ़ी छोटे छोटे टेम्पल्स हैं यहाँ पे जो हमने छोड़ दिए। हमें लगा कि नहीं, छोटे छोटे टेम्पल्स हम नहीं देखेंगे, क्योंकि इस बार का ये जो हमारा ट्रिप था, हम इसे प्लान इसी तरह से करके आए थे कि ये हमारा टोटल लेजर ट्रिप होगा। हम बहुत आराम करना चाहते थे, थके हुए थे, और हमें एक ऐसी जगह चाहिए थी जो पीसफुल हो, जिसकी सीनिक ब्यूटी हो, और हम ये सोच रहे थे कि जगह ऐसी हो जहाँ पर बैठ के आप चैन से धूप ले सकें। यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो -1 डिग्री तक गया है, -2 डिग्री, -3 डिग्री भी गया है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि उसके बावजूद भी यहाँ पर धूप काफ़ी अच्छी थी। आप देख सकते हैं कि मेरे फेस पे भी काफ़ी अच्छी धूप अभी भी है। अगर हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे कोटद्वार तक, तो वहाँ पर काफ़ी कोहरा है, तो धूप काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छा रहा। आज थोड़ी तबीयत नासाज सी लग रही थी सुबह, तो पहले हमने सोचा था कि हम इस लेक पे जाना जो है वो मिस करेंगे, लेकिन फिर हम बर्दाश्त नहीं कर पाए, और फिर आपके लिए ये तो करना ही था, आपके लिए भी और ख़ुद के लिए भी। तो हम लोग आए हैं यहाँ भुल्ला लेक। यहाँ पर बोटिंग के ऑप्शंस हैं अगर आप करना चाहें तो, अदरवाइज़ आप यहाँ पर आकर इस लेक के पास थोड़ी देर अगर बैठ जाएंगे तो भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, और जगह सुंदर है। अगर आप घूमना चाहें तो इस जगह पर सिर्फ 2 दिन में भी घूम सकते हैं। छोटी छोटी सी जगह हैं जहाँ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन हमने यहाँ पे 4 दिन स्पेंड किए। उसके बाद भी हम खाली इस यहाँ के जो मेन डेस्टिनेशंस हैं सिर्फ वहीं पर गए, क्योंकि हमारा मेन एम सिर्फ इतना था कि हम लोग अपने साथ कुछ टाइम स्पेंड करेंगे। और गाइज, वी आर फीलिंग रिजुविनेटेड, थोड़ी तबीयत ख़राब होने के बाद भी अच्छा लग रहा है। तो चलिए, आपको मैं थोड़ा सा यहाँ की सीनिक ब्यूटी दिखाऊंगी रिवर्ट कैमरा करके, काफ़ी अच्छी जगह है। तो अगर आप लेंसडाउन आते हैं तो यहाँ ज़रूर आइए और बिताइए कुछ अच्छा टाइम, और मैं आपको फिर से मिलूंगी थोड़ी देर के बाद शीतल पहुँच कर। ओके, सी यू, बाय बाय।